उत्तर प्रदेश की बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद पंजाब सरकार भी एक्शन में आ गई है। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद पंजाब सरकार ने पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी की सुरक्षा बढ़ा दी है। मुख्तार अंसारी को 3 घेरों की सुरक्षा दी गई है। पहला घेरा जेल के बाहर तैनात क्विक रिएक्शन टीम का है। दूसरे घेरे में जेल के विशेष ट्रेंड पुलिसकर्मी तैनात हैं। तीसरे घेरे के तहत जेल के कैदियों को मुख्तार अंसारी के पास जाने की परमिशन नहीं है। पंजाब सरकार ने जेल में बंद मुन्ना बजरंगी की हत्या से सबक लिया है। बताया जा रहा है कि ये मुख्तार की सुरक्षा बढ़ाए जाना वैसे भी जरूरी था। 40 से ज्यादा मुकदमों का सामना करने वाला विधायक अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में पिछले 13 साल उत्तर प्रदेश की कई जेलों में रह चुका है। हालांकि इन दिनों मुख्तार पिछले 2 साल से कैद में है। मुख्तार पर जितने मुकदमे हैं उतने ही दुश्मन भी हैं। ऐसे में रोपड़ जेल में उसकी सुरक्षा में इजाफा कर दिया गया है। क्विक रिएक्शन टीम में पंजाब पुलिस के 10 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। टीम को निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरह का खतरा होने पर तुरंत फैसला लेकर कार्रवाई की जाए। बैरिक में मुख्तार के साथ जेल में विशेष कर्मचारियों को लगाया गया है जो हर पल उस पर नजर रखते हैं। वहीं पंजाब पुलिस का कहना है कि मुख्तार अंसारी को कई बार धमकी भी मिल चुकी है, इसलिए उसकी सुरक्षा में 3 घेरे बनाए गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि मुख्तार अंसारी के लिए रोपड़ जेल को ही क्यों चुना गया है। तो वो इसलिए कि वैसे तो पंजाब में कुल 24 छोटी बड़ी जेल हैं, लेकिन रोपड़ जेल सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। छोटी होने के कारण यहां कैदियों की संख्या काफी कम है, इससे यहां पर किसी विशेष कैदी की सुरक्षा करना आसान है। साथ ही रोपड़ से सभी प्रमुख शहरों की दूरी भी काफी कम है। न्यूज डेस्क।